बच्चों पेपर शुरू करते हैं आज का। आज का पेपर 10th क्लास इंग्लिश कोड नंबर 202 सेट ए करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो है ट्रू फॉल्स वाला है। फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स। दूसरा प्रश्न नहीं किया गया है। तीसरा प्रश्न चेक कर लीजिए। पहले का आंसर बी, पिचिंग एंड रफ। सेकंड का आंसर ए, ठीक है। चौथा प्रश्न करेंगे। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बारे में पूछा गया है। तो पहले का बी, सेट ए कर रहा हूँ मैं 10th क्लास से। चौथे का, दूसरे का भी बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का डी, छठे का भी डी, ठीक है। ये देख लीजिए डी डी डी, ठीक है, और इसका सी। पांचवा प्रश्न करते हैं। इसमें भी एक पैराग्राफ दिया गया है, पांचवे में, सेट ए में। सॉरी, पहला प्रश्न मिस हो गया आपका। पहले का इसमें पांच में का पहले का जो है ये सी है, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पांचवे का डी। छठे पर जाइए, छठे का पहला बी, दूसरा डी, तीसरा बी, चौथा ए, पांचवा बी। सातवें उसमें ग्रामर आ गया आपका, ग्रामर पार्ट आ गया सातवां। इसको करते हैं पहला, ठीक है। ये आएगा टू कॉल, दूसरे में ये आएगा आपका टेकिंग एनी डिसीजन, और तीसरे में आएगा सी टू एक्सप्रेस, ठीक है। आठवां, नौवां, दसवां ये नहीं किए गए हैं। सीधा बारहवीं पाते हैं। बारहवीं में कोई तीन करने थे, बारहवां प्रश्न कर रहा हूँ मैं। ध्यान से देखिए, स्कार ऑन माइंड, इसमें गुड पीपल, गुड पीपल आर ऑलवेज। तीसरा जो है, वर्ड्स आर लाइक हार्ट, ये बारहवां था। तेरहवां देखते हैं, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर फॉल्स, ये अटेम्प्ट एनी थ्री था, हमने तीन कर दिए। चौथे में ब्लैंक दे रखे हैं, एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें पढ़ के आपको बताना है। जैसे यहाँ पे कोंटिवाय बिल्कुल इजी था, वाज ए गुड स्विमर, पहले में भरना है गुड स्विमर, दूसरे में भरना हैड मेड हिम वीक, हैड मेड हिम वीक, और लास्ट वाले में भरना है साइनिंग बिट्स ऑफ ब्रोकन, साइनिंग बिट्स ऑफ ब्रोकन। पंद्रहवां प्रश्न फिर ट्रू फॉल्स वाला है। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीन करने थे, चौथा भी ट्रू, हमने सिर्फ जानबूझ के ट्रू वाले करे। सोलहवां प्रश्न में मैच करना है आपको, कुछ करेक्टर दिए गए हैं। पहले वाले का जो ये करेक्टर है ये सीधा इसी द लास्ट टोन से ही है, और द ओल्ड मैन ये कोंडीबा वाले से है, और गांधी जी वाला स्टीलिंग एंड अटोनमेंट से। देखते हैं और कोई छोटा है क्या। हाँ, ये फिर सेक्शन सी पार्ट ग्रामर का है। इसमें चलते हैं 26वें में। रुचि में मी आएगा, मोना वाले में जो है कैन आएगा। 27वें चलते हैं, सी वाला पार्ट भरना, अर्थात आपको इसमें पहले में एट, दूसरे में डाउन, अर्थात ये सी वाला पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी जिसको कहते हैं, ये पूजा सेड वाला है। इसे क्या लिखेंगे आप, जहाँ ध्यान से देखिए, पूजा सेड दैट शी नेवर ड्रिंक मिल्क। ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ड्रिंक की ड्रंक, ठीक है, डी आर ए एन की, ठीक है। सेकंड फॉर्म नहीं, यहाँ पे ये लगाना आपको।
ये देखिए दूसरे क्वेश्चन है, शी सेड दैट, ठीक है, शी वाज गोइंग फॉर ए वॉक। दोबारा से पढ़ देता हूँ, शी सेड दैट शी वाज गोइंग फॉर ए वॉक। और तीसरे वाले में देखिए, द टीचर सेड, क्या लिखना है, द टीचर सेड दैट द सन राइज इज इन द ईस्ट। क्योंकि ये सत्य है तो ये कभी भी परिवर्तन नहीं होता था, यूं का यूं रहता है, सत्य डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं बदलते। तीसवा प्रश्न करते हैं, तीसवें प्रश्न में देखिए, ये जो पास्ट टेंस में था तो लाई का यहाँ पे बना दिया हमने एल ए आई डी, लेट। यहाँ पे डिड नोट ईट, डिड भर देंगे, नोट ईट है तो ये हो जाएगा डिड नोट ईट, ऐसा कैसा जाएगा। और तीसरे में जो आएगा यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, कम की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम। और चौथे में पे का जो है इसके भी आप बना दीजिए पास्ट टेंस में पेड। ये आपका जो है सेट वन कंप्लीट हो गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू।